दोस्तों, आज की कहानी है बुआ जी, आप मेरे मायके वालों के पास से गहने मत मांगिए। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। बहू अपने मायके फोन करके बता देना कि पहला बच्चा होने पर सुसक की रस्म में सभी घर वालों के लिए कपड़ों के साथ ही कुछ सोने का सामान जैसे अंगूठी या फिर सेंध देने का सलन है, और बच्चे की बुआ के लिए सोने के कंगन आते हैं। बुआ सास कमली जी ने सारू को आदेश दे दिया एक बार फिर से सबके लिए कपड़े और जेवर। अभी एक साल भी नहीं हुआ मेरी शादी में पापा ने कितना कुछ दिया। परिवार में अकेले पापा कमाने वाले, उस पर दादी की डॉक्टर और दवाई का खर्चा और सोम की इंजीनियरिंग का खर्चा, और इन सब के बीच मेरी शादी के खर्च के लिए लिया लोन। फिर से इतना भारी खर्च कैसे पूरा कर पाएंगे? काश मुझे पता होता कि बच्चा पैदा करने पर एक बार फिर मेरे मायके वालों को नोसा जाएगा तो मैं बच्चा पैदा ही नहीं करती। सारू सोचते सोचते ही रो पड़ी। तभी उसकी सास सल्ला जी उसके लिए लड्डू लेकर आई। बहू, लड्डू खा लो, भूख लगी होगी तुम्हें, और लड़ो अभी तक सो रही क्या? सारू कुछ ना बोली। सरला जी ने देखा कि सारू रो रही है तो प्यार से उसके सिर पर हाथ रखते हुए बोली, क्या हुआ बहू? माँ की याद आ रही? बस थोड़े दिन के बाद ही सुसक रस्म के बाद तुम मायके चली जाना। मम्मी जी, आपसे कुछ कहूँ तो आप बुरा तो नहीं मानेगी? सारू अभी भी रो रही थी। बहू, क्या बात है, तुम परेशान लग रही, सब ठीक है ना? सरला जी सारू के पास बैठते हुए बोली, मम्मी जी, आप मेरे पास के सभी गहने ले लीजिए, और कुछ रुपए भी हैं, आप उनसे यहाँ के सभी लोगों को जो देना चाहती हैं मंगवा लीजिए, लेकिन मेरे मायके से सुसक के नाम पर गहने मत मांगिए। पापा के ऊपर मेरी शादी का ही कर्ज है, और फिर घर के खर्चे, छोटे भाई के कॉलेज की फीस, उनके पास अब इतना सामर्थ्य नहीं है कि वह घर भर कर सामान दे पाए। सारू बोलते बोलते रो पड़ी। पागल हो गई बहू, खबरदार जो अपने गहने और रकम देने की बात दोबारा की, मैं हूँ ना, फिर क्यों फिक्र कर रही? तुम सिर्फ आराम करो और खुश रहो। जच्चा जच्चा बच्चा दोनों हंसते हुए मुझे दिखने चाहिए, बाकी सब चीज़ की चिंता मुझ पर छोड़ दो, सरला जी ने प्यार से डपटते हुए कहा। लेकिन मम्मी जी, बुआ जी ने आदेश दिया है कि पहले बच्चे के सुसक पर सभी रिश्तेदार नंदों के लिए कपड़े और जेवर आने चाहिए। सारू ने बताया, बुआ जी की बात पर ध्यान मत दो, उनकी आदत है कुछ ना कुछ बोलने की। सरला जी ने सारू को लड्डू खाकर बेफिक्र होकर आराम करने को कहा। कुआ पूजन के दिन सारू का दिल घबरा रहा था। पड़ोसी और रिश्तेदार से घर भर गया था। सुबह से कमली बुआ जी सार बार उससे बोल चुकी थी, बहू मायके में अच्छे से बता दिया था ना कि क्या क्या लाना है। हाँ जी जी, मुझे भी देखना है कि सल्ला के समध्याने से क्या आता है। मेरी बहू के मायके से तो आप सभी के लिए बनारसी की साड़ी और सोने के कंगन आए थे, याद है ना? जी जी सरला की जेठानी ने घमंड से कहा और तीखी नजर से सारू को देखा। अरे जी जी और भाभी, आप बहू से क्या पूछ रही हैं? आइए और देखिए सारू के मायके से क्या क्या आया है। सरला जी की आवाज से सभी उनके पास चले गए। सारू ने देखा
उसका भाई सोमेश आया हुआ है। वह उसके पास आया और लाडो को गोद में लेकर खिलाने लगा। सारू ने मम्मी पापा के बारे में पूछा और फिर धीरे से बोली, भाई सब सामान खरीदने में पापा का बहुत खर्चा हो गया होगा। नहीं दीदी, सब सामान जीजा जी और आंटी जी ने खरीदा। मम्मी ने जो सामान भेजा है आंटी जी ने अपने सामान के साथ वह ड्राइंग रूम में सजा दिया। सोमेश ने खुलासा किया। सारू भी सरला जी के पास गई। उसने देखा ड्राइंग रूम का एक कोना सामान से भरा हुआ है। सभी रिश्तेदारों के कपड़े, नंदों के लिए अंगूठी, बेबी के ढेर सारे खिलौने और उसके मायके से हुए आया हुआ सामान भी वहाँ रखा था। सभी रिश्तेदार बहुत खुश थे। कमली बुआ खुश होकर बोली, वाह सरला, तुम्हारे समधियाने ने तुम्हारी इज्जत रख ली, हम सभी को खुश कर दिया। सभी रिश्तेदार के जाने के बाद सारू सरला जी के पैर पकड़कर रोने लगी, थैंक यू मम्मी जी, आज आपने मेरे मायके की इज्जत रख ली। वरना सरला जी ने सारू को उठाया और उसके बहते आंसुओं को पोंछते हुए बोली, मायके की इज्जत सभी बेटियों के लिए खास होता है, लेकिन ये ससुराल के रिश्तेदारों को समझ नहीं आता है। इतना बड़ा परिवार एकांत तक सबको खुश करे, कोई ना कुछ नाखुश हो ही जाता है। मैं नहीं चाहती थी कि जो अपमान मेरे मायके वालों का इन लोगों ने किया था वही तुम्हारे मायके वालों के साथ। उस समय मैं कुछ कर नहीं पाई, लेकिन आज ये सब करके मुझे ऐसा लगा कि मैंने अपने मायके की इज्जत बसा ली। जितना ये घर मेरा है उतना ही तुम्हारा, इसलिए तुम्हारा सामान अब मेरा सामान है। सास बहू का रिश्ता हमेशा खट्टा और तकरार का होता है, लेकिन मैं चाहती हूँ हम दोनों के रिश्तों की खिचड़ी में तड़का सटपटा मजेदार मीठा और प्यार का हो। मम्मी जी आपने सही कहा, जिस घर में आप जैसी माँ हो उस घर की खिचड़ी में तड़का हमेशा प्यार और विश्वास का ही होगा। आपकी बहू बनना मेरे लिए बहुत बड़ी खुश नसीबी है। सारू की आंखें खुशी से सलक गई। सरला जी ने सारू को ऐसे गले लगाया जैसे बरसों का दर्द आज दूर हो गया हो।